ये राजनीति भी बड़ी गजब की चीज है। ऊपर से बात अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की हो तो क्या ही कहने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ दल मानो जैसे उस चिड़िया की तरह होते हैं, जो कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। ऐसे ही एक दल का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर, जो कब क्या कर जाए, क्या बोल जाए, शायद उनको खुद भी पहले से पता नहीं। जिधर भी जाते हैं उधर जो आजादी के 75 साल में जो वंचित लोग हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से, उनके बीच में जब जाता हूं तो कुछ करके आता हूं, उनको एहसास करा के आता हूं कि भाई आप शिक्षा के लिए लड़ो। हम तो कह रहे हैं ना, ये थर्ड फंड क्यों बना रहे हैं, सेकेंड फंड क्यों नहीं बनाते, हमको सब पसंद है। ना ना ना, आपके पास चॉइस दो ही है तो सब कैसे पसंद हो जाएंगे। नहीं, हमारे लिए तो मायावती जी पसंद है। हमने तो वो चॉइस ही नहीं दिया ना, ऑप्शन में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी का अखिलेश। नहीं नहीं, अभी अखिलेश जी उस लायक नहीं है, मोदी जी की तुलना अखिलेश जी नहीं है, वो तो राजी दल। थोड़ा मन खोलिए ना आप अपना। नहीं, वो तो राजी दल है, मन तो खोल ही रहा हूँ। मन खोल के ये बताइए। तो मेरा खुला। नहीं नहीं, मन खोल के ये बताइए कि 2024 के लिए आप किधर जाना चाहते हैं, हाथी की तरफ जाना चाहते हैं, साइकिल की तरफ या कमल की तरफ। ये हाथी साइकिल पंजा इकट्ठा हूँ, हाथी साइकिल पंजा इकट्ठा हूँ, तब फिर हम बताएं कि ओम प्रकाश राजभर किधर। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार बनी थी, तब यही राजभर अपनी राजनीतिक फायदा देखते हुए सरकार का हिस्सा बन गए थे। 2022 के चुनाव से पहले हवा बदलती देख अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए और चुनाव प्रचार में अपनी तरकश से वो तीर निकाल निकाल कर योगी सरकार पर वार किए। लेकिन फायदा क्या हुआ, ढाक के तीन बाद उनकी सपा के साथ गठबंधन वाली सरकार बनी नहीं और वो अखिलेश यादव को टाटा बाय बाय बोलकर गठबंधन से बाहर हो गए और तब उनको अखिलेश बुरे और योगी जी फिर सच्चे लगने लगे। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी से कोई बड़ा इशारा नहीं मिला, तो वो करते भी तो क्या करते। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव यही था कि जो थर्ड फंड की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, वो थर्ड फंड का नाम लेना बंद कर दें, सेकेंड फंड बनावे। जितने लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके आमने सामने फाइनल मैच खेलो। आप थर्ड प्लेयर बनकर के क्या दिखाना चाहते हो। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अब ऐसे में ओपी राजभर को उत्तर प्रदेश में अगला सहारा हाथी का नजर आने लगा है। शायद यही कारण है कि राजभर को मायावती पीएम मटेरियल नजर आने लगी है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए मायावती से बात करने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस को गठबंधन करके बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए। अखिलेश यादव जी के तरफ से बार बार तीसरे फ्रंट की चर्चा हो रही है, तो तीसरा फ्रंट क्यों बना रहे, दूसरा क्यों नहीं बनाते। वो कह रहे हैं कि हम बसपा से गठबंधन नहीं करेंगे, हम कांग्रेस से नहीं करेंगे, हम सुभाषपा से नहीं करेंगे, तो गठबंधन किससे करेंगे। गठबंधन की बात वो चर्चा करते हैं ममता जी से, वो गठबंधन की चर्चा करते हैं केसीआर से, वो गठबंधन की चर्चा करते हैं आपके लालू जी से। अब आप सोचिए कि यूपी की राजनीति में ये तीन पार्टी की अगर हम बात कर लें, ये तीनों पार्टी मिल करके भी एक लोकसभा में 1000 वोट नहीं दिला सकते, आप इनसे गठबंधन क्यों करते हो। जैसे केसीआर जी, ममता जी और लालू जी, ये तीनों लोग उत्तर प्रदेश में कितना वोट दिला सकते हैं। अकेले मायावती जी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे उसका वोट है, भले कम हो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी है, अलग अलग स्टेटों में उसका वोट है। कांग्रेस पार्टी बेशक यूपी में कमजोर हम मान सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे वो राष्ट्रीय पार्टी है, एक उसका अलग अलग जनाधार है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। मतलब साफ है कि अगर अखिलेश यादव एक बार फिर से मायावती से दोस्ती कर लें तो शायद एक बार फिर राजभर की पार्टी अखिलेश की पार्टी के साथ मंच पर नजर आ सकती है। इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर मायावती के लिए बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, मेरा यही कहना है कि जैसे मैंने पहले अखिलेश जी को सुझाव दिया कि आप नीतीश जी को पीएम का चेहरा बनाओ, आप शुरू करो, एक एक जोड़ते जाओ, आप ये बात, आप सब लोग बारी बारी मायावती जी से मिलो,
आप ये प्रस्ताव लेके जाओ मायावती जी के यहाँ कि नीतीश जी चेहरा है, आप इसमें शामिल हो जाओ अगर आप बीजेपी को हराना चाहती हो। अगर वो नहीं शामिल होती है तो सब लोग मिलकर के कहो चलो हम आप ही को चेहरा मानते हैं, आपके पास वोट भी है। आज मायावती जी खड़ी हो जाए तो उनके पास अकेले 22% वोट के साथ खड़ा हो जाएगा। मेरा ये सेकेंड फर्स्ट नहीं, अगर उस दृष्टि से आप कहें तो मायावती जी हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट च्वाइस है, इस नाते कि सामान्य वर्ग हो गया, बैकवर्ड हो गया, अब दलित का नंबर, अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी का नंबर आ गया, उस नंबर में नंबर एक पर मायावती जी। हालांकि हाल ही में होने वाले निकाय चुनाव में ओपी राजभर एक बार फिर अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। शायद वो लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का दमखम आजमा कर दूसरे दलों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं।